हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार पुरस्कार एवं सम्मान। बिहार की डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार को सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नमिता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा चयनित हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में जल जीवन हरियाली मिशन को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेकमणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार में मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। बिहार की वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेजिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। हाल ही में रविंद्र कुमार को वर्ष 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के हरिदास शर्मा कैमू एवं चंदना दत्त मधुबनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल पुरस्कार दिया है। हाल ही में बिहार के दो कैडेट ममता कुमारी और विशाल राज को वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2021 का पहला सतराची सम्मान के लिए प्रेम कुमार मणि को चुना गया है। बिहार के दिलीप कुमार को का उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किया गया। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जस्ट सेकंड। बिहार में के रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र के सम्मान देने की घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अनामिका को रचना टोकरी में दिंगत थैरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। मधुबनी के कमलकांत झा को उनकी रचना गाज रूसल अंछी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। बिहार के गया के हुसैनुल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सिया राम झा सरल को मधुबनी सोनहुला इजोत बाला खिड़की के लिए दिया गया है। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में आनंद किशोर को आउट स्टैंडिंग लीडर अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के
दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। बिहार के कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता है। बिहार की सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार की रंजू कुमारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को पाटलिपुत्र गौरव सम्मान दिया गया है। बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। ओके गाइस, बाय।